infectious disease consultant at Manipal Hospitals, Dwarka, New Delhi. हाल ही में हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस वापस थोड़े आने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं. एक नया वेरिएंट भी काफी चर्चा में है, ओमिक्रॉन वेरिएंट. बट सारे केसेस जो भी आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि इसी वेरिएंट के कारण है, पुराना वेरिएंट भी रिस्पॉन्सिबल है. इसके लिए मेरे पास काफी क्वेरीज आ रही थी कि हम क्या करें जो हम जिससे कि जो सीवियर डिजीज होता है उससे बच सके. सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपने हॉस्पिटल में शुरू किया है कोविड एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट. इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कोविड एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट क्या है. सो बेसिकली ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट है, ये दो एंटीबॉडीज का मिक्सचर है जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं. और इसका काम ये होता है कि जो वायरस होता है जब लंग के सेल्स से अटैच करता है अपने आप को, तो उसको कुछ रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है, ACE2 रिसेप्टर्स, उसको ये ब्लॉक कर देता है. और इसके अगेंस्ट जो वायरस की एंट्री जो होती है सेल में, जो डैमेज कर सकता है वायरस, उसको कम किया जा सकता है, इनहिबिट किया जा सकता है. सो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसका इलाज जो है, जो अभी रिकमेंडेशन है करेंटली, वो ऐसे लोगों में है जिनको कोविड अगर होता है तो खतरा ज़्यादा है कि उनको सीवियर कोविड हो या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो. ऐसे केसेस में को हम पहले ही देते हैं ये जब उनको हल्के फुल्के लक्षण हो, यानी कि इसका इंडिकेशन जो है ये उन्हीं को लगता है जिनको माइल्ड टू मॉडरेट कोविड हो, अभी कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको लगता है. एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट हम देते हैं इसको शुरुआती दिनों में ही, जब आपको पता चला है कि लक्षण के जो है विद इन 10 डेज में लिया जाता है पहला लक्षण, और अगर RT-PCR पॉजिटिव होता है. इसका जो इंडिकेशन होता है ऐसे लोगों में दे सकते हैं जो 65 साल से ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोविड का इन्फेक्शन अगर 65 साल से ज़्यादा के लोगों में होता है, या डायबिटीज़ में होता है, BP की मरीज़ों में होता है, हार्ट के मरीज़ों में होता है, या ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर है या कोई ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, सो इस कारणों से कोविड की का रिस्क बढ़ता है, तो उसको पहले ही दिया जाता है जब इन्फेक्शन का स्तर जो है वो माइल्ड है, लक्षण हल्के हैं या ना हो, बट कोविड की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं. ये जो है डे केयर में ही लगता है, आपको मैक्सिमम 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और ये दवाई लग जाती है. साथ ही साथ ऐसे लोगों में भी दे सकते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और उनको भी कोई रिस्क फैक्टर है और वो कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं 15 मिनट से ज़्यादा. जो CDC क्राइटेरिया होता है कि बिना कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के आप ऐसे किसी के संपर्क में आए हैं जो कोविड पॉजिटिव था और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर आपके अंदर, जैसे या तो आपकी वैक्सीनेशन कम्प्लीट नहीं हुई है या फिर आपकी इम्यूनिटी लो है किसी कारण से, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी एंटीबॉडीज उस स्तर पे नहीं होगी कि अगर कोविड होता है तो आप पूरी तरह से उससे बच पाएंगे. ऐसे केसेस में भी हम इसको दे सकते हैं, इसे हम कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. सो इन कारणों में कहीं भी अगर आप फॉल करते हैं या कोई भी फॉल करता है जिसको रिस्क है कि उसको सीवियर कोविड हो सकता है आगे जाके, समय रहते अगर इसका ट्रीटमेंट लिया जाए तो बिल्कुल चांसेस हैं कि बेनिफिट होगी. जो भी अभी करंट रिकमेंडेशन है या जो भी रिसर्च का एनालिसिस किया गया उसमें पाया गया कि बेनिफिट्स होती हैं, अराउंड 70% लोगों में बेनिफिट्स होते हैं. तो अभी घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से पालन करें, और अगर कुछ किसी का ऐसा पॉजिटिव आता है, किसी ऐसे कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि क्या ये ट्रीटमेंट जो है आपको बेनिफिट कर सकती है. थैंक यू.